हाँ जी, तो आज हमने ये देखा मल्टीप्लाई एंड डिवीजन के ऊपर मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एंड उसी का एग्जांपल ये चीज है, ये होमवर्क का क्वेश्चन था। हाँ जी, समझ आया ये चीज? किसी यस सर, यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं। अभी आगे देखो अभी जरा, ये क्या चीज है, ध्यान से देखना। जो इसका अगला वाला पार्ट है वो भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक। दैट इज आयटा इंटू 2 + आयटा का क्यूब ओवर 1 + आयटा का होल स्केयर का मोड, ठीक। ये चीज करनी थी तो तुम लोगों ने क्या किया, ऑब्वियसली पहले इसको सिंप्लीफाई किया होगा। अब मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, ठीक। मैं क्या करूंगा, ठीक, ध्यान से देखना ये चीज। आयटा 2 + आयटा 2 + आयटा 2 + आयटा, अभी मैं सिर्फ करके दिखा रहा हूँ, स्कूल में कैसे अटेम्प्ट करना मैं वो बाबा आदमी बताता हूँ, ठीक है। 1 + आयटा × 1 + आयटा, ये समझ आया क्या किया? बेसिकली ये जो क्यूब था इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, ये याद रखना, ये कंजुगेट नहीं है। हाँ, ये 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, तो क्यूब बन गया। एंड नीचे स्क्वेयर है तो इसको 2 बार लिख दिया, 1 एंड 2। आई होप ये चीज क्लियर हुई। जी अब मॉडुलस के अंदर ऊपर नीचे डिवाइड अलग अलग हो जाता है, ऊपर नीचे अलग अलग, सब कुछ अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, ये बन जाएगा तुम्हारा ऐसे, दैट इज इक्वल टू आयटा का मोड अलग हो जाएगा, इसका मोड अलग हो जाएगा, इसका मोड अलग हो जाएगा, दैट इज 2 + आयटा का मोड अलग हो जाएगा, फिर इसका मोड अलग हो जाएगा, दैट इज अगेन 2 + आयटा का मोड अलग हो जाएगा, फिर इसका मोड अलग हो जाएगा, दैट इज 2 + आयटा का मोड अलग हो जाएगा, फिर नीचे इसका मोड अलग हो जाएगा, दैट इज 1 + आयटा का मोड अलग हो जाएगा, फिर इसका मोड अलग हो जाएगा, दैट इज 1 + आयटा का मोड अलग हो जाएगा, ठीक। बेसिकली मल्टीप्लाई डिवीजन पे दोनों पे हमने डिस्ट्रीब्यूट करके ये बना लिया। अब ध्यान से देखो, ये आयटा का मोड क्या होता है तुम्हारा, 1, ठीक। बेसिकली 1 स्क्वायर, देखो व्हाट इज आयटा, आयटा इज योर 0 + 1 आयटा, यही है ना, तो ये जाएगा 0 स्क्वायर + 1 स्क्वायर अंडर द रूट, इसका मोड। आई होप ये क्लियर हुआ। तो क्या चला जाएगा, ये 1, तो इसका मोड जो है, ठीक, वो आ गया 1। अब इसका मोड क्या जाएगा, 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर अंडर द रूट इनटू इसका भी सेम, इसका भी सेम, तो दैट इज 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर अंडर द रूट, 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइडेड बाय ये चीज, इसका क्या जाएगा, 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर अंडर द रूट, और इसका भी सेम, दैट इज 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर अंडर द रूट। तो देखो जरा क्या बना, दैट इज 1 इंटू, दिस इज 1 इंटू, ठीक। नाउ व्हाट इज दिस, √5 √5 √5, √5 × √5 × √5 डिवाइडेड बाय √2 × √2, दैट इज √2 × √2। नाउ दिस इज योर, देखो √5 × √5 इज 5, तो 5 × √5 √5, ठीक, डिवाइडेड बाय 2 √2 × √2 2। तो देखो डायरेक्टली आंसर आ गया, सिर्फ दो तीन स्टेप का क्वेश्चन बन गया हमारा, बाकी अपने आप ही, देखो ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में अपने आप आंसर आ गया, कोई फालतू का काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई क्यूब नहीं खोला हमने, कोई कुछ नहीं किया। आई होप ये चीज क्लियर हुई, प्रॉपर्टी क्लियर हुई कैसे इंप्लीमेंट की प्रॉपर्टी यस सर, यस सबको? सर, हाँ जी, प्रणव क्लियर हुआ? हाँ जी सर, सूर्यांश? यस सर। अच्छा ये बैकग्राउंड में किसी के गाने बज रहे हैं, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लो। हाँ जी, हर्षलीन, अर्शिया, यस सर, नमन, यस, चलो ठीक 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 है, इस तरीके से हमने किया। अब ध्यान से देखो, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना, इसको 3 बार लिखा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको 3 बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ये चीज है, इसको एक ही बार में हम कर सकते हैं। अब एक ही बार में इसको कैसे करेंगे, ठीक, ध्यान से ये चीज समझने की कोशिश करना, ठीक। बेसिकली अगर ऐसा आ जाए तुम्हारे पास, ठीक है, ध्यान से, 1 + 2 आयटा का क्यूब का मोड करना है, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, इसको 1 + 2 आयटा का मोड करके उसका क्यूब कर दूंगा, ठीक। क्यों, ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + 2 आयटा × 1 + 2 आयटा × 1 + 2 आयटा का मोड, तीनों मोड अलग अलग हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1 + 2 आयटा का मोड × 1 + 2 आयटा का मोड × 1 + 2 आयटा का मोड। अब ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, 1 + 2 आयटा का मोड, ठीक, और उसकी पावर 3। तो बेसिकली ये चीज बन जाएगा, दैट इज 1 + 2 आयटा का मोड करेंगे, मोड अंदर ले जाएंगे, मोड करेंगे और उसका क्यूब कर देंगे। अब देखो ध्यान से, 1 + 2 आयटा का मोड क्या हो जाएगा, √1² + 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा अंदर वाली चीज, ये अंदर वाली जो चीज है ये इस तरीके से आ जाएगी, और उसका फिर करना क्यूब। तो क्यूब करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसका क्यूब कर दिया, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा आपका, दैट इज √5 का क्यूब, तो दैट इज √5
इंटू रूट फाइव इंटू रूट फाइव, तो ये बन जाएगा फाइव रूट फाइव। इस तरीके से इसका जो आंसर है वो आ गया डायरेक्टली फाइव रूट फाइव। समझ आया क्या करना है? ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे पास ऐसे आए वन प्लस टू आइटा का क्यूब का मॉड, तो इसको डायरेक्टली लिख दो वन प्लस टू आइटा का मॉड का क्यूब, ऐसे लिख सकते हो। ठीक, तो इसका मॉड निकालो, उसका मॉड की जो भी वैल्यू आएगी उसका क्यूब कर दो, आपका डायरेक्टली आंसर आता है। आई होप ये क्लियर हुआ। यस सर। सबको क्लियर हुआ? सारिशा? यस सर, क्लियर हुआ। ठीक है, ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं अभी। ठीक, अच्छा इसके बाद आपका डाउट था क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड में क्या बोल रहा है ये सेकंड प्रॉपर्टी, ये सेकंड क्वेश्चन तो प्रॉपर्टी है एक जो हमने कल क्लास में की थी, दैट इज कोई भी जेड नंबर लिया मैंने, दैट इज एक्स प्लस आइटा वाई, एंड जेड कंजुगेट क्या हो जाएगा फिर एक्स माइनस आइटा वाई, तो जेड इंटू जेड कंजुगेट करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस आइटा वाई इंटू एक्स माइनस आइटा वाई, तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस आइटा वाई का स्क्वायर। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये। और हमारा जेड मोड क्या होता है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, दोनों की स्क्वायरिंग की, तो ये बन जाएगा जेड मोड का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये दोनों बराबर हो गए, तो इसलिए आपका ये और ये चीज भी बराबर होनी चाहिए, तो दैट इज आपका z into z conjugate क्या चला गया, दैट इज z mod का स्क्वायर। इस तरीके से ये दोनों चीजें बराबर। ठीक, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर है, ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर होनी चाहिए प्रॉपर्टी। हाँ जी, शौर्य क्लियर हुआ? हाँ जी, अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर चीज पूछनी थी। हाँ जी, हाँ जी, जो फिफ्थ का ए पार्ट है, हाँ जी, उसमें भी ऐसी ऐसी हो जाएगा प्रॉपर्टी लग जाएगी, जैसे अलग हो जाएगा मॉड ऊपर और नीचे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, और ऊपर क्या बन जाएगा आपका, ध्यान से देखो, जो मैं करके दिखाता हूँ, ये टू स्क्वायर प्लस वन, टू प्लस आइटा डिवाइडेड बाय माइनस वन प्लस टू आइटा, है ना? आई होप ये क्वेश्चन है। Yes, देखो ये बन जाएगा आपका 2 प्लस आइटा का मोड डिवाइडेड बाय माइनस 1 प्लस 2 आइटा का मोड। अब ऊपर न्यूमरेटर में क्या बनेगा आपका, ठीक, न्यूमरेटर में बनेगा आपका दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बनेगा आपका, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर द रूट। अब ध्यान से देखो ये क्या बना, रूट 5, और नीचे भी बना रूट 5, तो कटके क्या आ गया, बिल्कुल बिल्कुल। आपको कोई इसको सिंप्लीफाई करने की अब जरूरत नहीं है, पहले मोड आप अलग, लेकिन याद रखना मैं दोबारा दोबारा बता रहा हूँ, ठीक, बच्चे इसके ऊपर गलती करते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर मॉडुलस जो है ये अलग अलग नहीं होता, ठीक, याद रखना जो स्टार्टिंग में, ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ जी, अच्छा शौर्य इसमें ध्यान से देखो, सबसे पहले वो जेड वन का मोड पूछ रहा है, तो जेड वन क्या है हमारा देश, तो जेड वन का मोड क्या जाएगा हमारा, दैट इज 3 प्लस 4 आइटा का मोड, तो ये हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज 5। तो z1 का जो मोड है वो 5 है, लेकिन z1 itself is 3 प्लस 4 आइटा, ठीक, z1 चेंज नहीं हो रहा, z1 का मोड 5 आया। उसके बाद z2 का मोड क्या जा रहा है आपका, 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो ये बन जाएगा आपका 25 प्लस 144 अंडर द रूट, तो दैट इज रूट 169, तो दैट इज 13। इस तरीके से z2 का जो मोड है वो 13 जा रहा है, ठीक, ये चीज हो गई। फिर z3 का क्या जा रहा है, देखो जरा, z3 जा रहा है 6 प्लस 8 आइटा, तो z3 का जो मोड है वो क्या जाएगा आपका 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक, तो क्या जाएगा ये आपका, दैट इज रूट ऑफ 36 प्लस 64, तो दैट इज रूट ऑफ 100, तो दैट इज 10। तो z3 का जो मोड है, z3 का मोड 10 जा रहा है, बाय द वे आपने आई थिंक z1 z2 z3 को ये लिख दिया था 5 39 11 10, ठीक है, यहाँ पे मोड 10 जा रहा है। आई होप क्लियर हुआ शौर्य आपको? हाँ जी, हाँ जी सर, वो प्लस माइनस वाले क्वेश्चन से ना तब मैंने समझा, मैंने कहा सीधा ही वैल्यू लगा दूं। हाँ, तो अभी क्लियर है ना आपको? हाँ जी, हाँ जी, हो जाएगा। हाँ जी, चलो ठीक 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 है, चलो आगे चल रहे हैं अभी। ठीक, तो इस तरीके से हमने मॉडुलस वगैरह का देखा, लेकिन मॉडुलस को यूज कैसे करना है, ठीक, इसका ना थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक, ऑलरेडी हमने इसके क्वेश्चंस देखे हुए हैं, लेकिन उनको हमने कंजुगेट के थ्रू हैंडल करना सीखा था, अभी मॉडुलस के थ्रू हैंडल करना सीखते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल देता हूँ, तो एग्जांपल देखो जरा पहले। ठीक, ये आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक, तो ध्यान से देखना, जैसे a प्लस आइटा b डिवाइडेड बाय c प्लस आइटा d दैट इज इक्वल टू x प्लस आइटा y, तो प्रूव दैट, ठीक, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। आई होप याद है तुम्हें ये क्वेश्चन। Yes, sir. याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या करते थे,
कि कंजुगेट करते थे फिर उसको इसी स्टेटमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते थे तो अपने आप ये बन जाता था। ठीक, अभी इसका सिंपल तरीका देखो। ठीक, इसका एक सिंपल तरीका क्या है, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग मॉडुलस तो क्या बन जाएगा जी, दैट इज a प्लस आईटा बी डिवाइडेड बाय c प्लस आईटा d का मॉड। नहीं, स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे, आ वही जाएगा लेकिन करके स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो ये आ गया। अब इसके बाद इसका ऊपर नीचे मोड अलग कर दिया तो दैट इज a प्लस आईटा b का मोड डिवाइडेड बाय c प्लस आईटा d का मोड दैट इज इक्वल टू x प्लस आईटा y का मोड। ठीक, ये आ गया। फिर उसके बाद इसका अब न्यूमरेटर में इसका मोड क्या जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक, ये चीज आ गई। ठीक, तो स्केयरिंग कर दी। अब स्केयरिंग करके क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो देखो जो चीज प्रूव करनी थी हो गई। ठीक, तो हमने क्या किया, सिर्फ दोनों तरफ मॉडुलस लिया एंड दोनों की स्केयरिंग कर दी, अपने आप जो चीज चाहिए थी वो बन गई। आई होप क्लियर हुआ। yes. तो यही वाले जो क्वेश्चन है ये आप मॉडुलस से भी हैंडल कर सकते हो, कंजुगेट करके भी हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका एक और क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक, ताकि आपको क्लियर हो जाए कैसे, अगेन दोबारा क्लियर हो जाए कैसे करना। ठीक, ध्यान से देखो जरा, एक और क्वेश्चन है, दैट इज ए प्लस आईटा बी दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस आईटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक, ये चीज है। तो अब इसको करने का तरीका क्या है, ठीक, ध्यान से देखना। हाँ जी, तो अब प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक, ये चीज प्रूव करनी है। तो अब इस चीज को प्रूव करने के लिए अब ध्यान से देखो क्या करेंगे, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ द साइड्स, इधर मॉडुलस लेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो ए प्लस आईटा बी का मोड एंड दिस विल बी योर एक्स प्लस आईटा ए स्क्वायर का मोड and divided by 2x square plus 1 का mod। ठीक, अब ध्यान से समझना इस चीज को, ये तो बन गया आपका a square plus b square under the root। अब ये जो चीज है ये बन जाएगा x plus iota के mod का square। ठीक, याद है मैंने आपको बताया था कि ये square वगैरह के अंदर चला जाता है। ठीक, अब ध्यान से what is this, इसका imaginary part क्या है बताओ जरा। सर नहीं है, नहीं है, तो जीरो है, जीरो है, तो इसको लिखूंगा मैं 2x square plus 1 प्लस जीरो आयटा, ऐसे इसका मोड करना है तो क्या जाएगा जी, डिनोमिनेटर में दैट इज टू एक्स स्क्वायर प्लस वन रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द रूट। आई होप ये क्लियर हुआ, राइट। अब ध्यान से देखो, तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर एंड अंडर द रूट। एंड ये चीज ये आपका क्या बनेगा, देखो जरा एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर अंडर द रूट का होल स्क्वायर। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ स्केयरिंग कर दी। ठीक, अच्छा बाय द वे ये क्या चला जाएगा, अंडर रूट के साथ स्केयर हट जाएगा, अंडर रूट के साथ स्केयर हट जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस वन, नीचे बन जाएगा आपका टू एक्स स्केयर प्लस वन। अब दोनों तरफ स्केयरिंग कर दी तो आपका क्या बन जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर दैट इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वन डिवाइडेड बाय टू एक्स स्केयर प्लस वन का स्केयर ऊपर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया। तो किया क्या हमने, ठीक, सिर्फ दोनों तरफ मॉडुलस लिया और कुछ नहीं किया एंड स्केयरिंग की, अगेन ये चीज हमारी सारी की सारी बन गई। ठीक, आई होप ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, हमने क्या किया, सिर्फ दोनों तरफ मॉडुलस लिया एंड स्केयरिंग की, अपने आप ये चीज दोनों तरफ बन गई। आई होप क्लियर हुआ जी। यस सर, यस सर। तो इजी कौन सा लगा मैं सर, ये बताओ, मॉड वाला। ठीक है, दोनों से कर सकते हो, ठीक है, कंपेयर कर लो, बट दोनों से कर सकते हो। ये प्लीज माइक से ना किसी की आवाज आ रही है, प्रणव आई थिंक, तो आपकी प्लीज। हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा, नहीं वो किसी की आवाज आ रही थी, मेरे को लगा यार कि जैसे, चलो कोई नहीं, किसी और की होगी यार, फिर क्या हुआ। देखो हाँ जी, अब ना एक और क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है हमारा, जैसे वो किया था हमने ए प्लस आईटा बी इंटू सी प्लस आईटा डी इंटू ई प्लस आईटा एफ इंटू जी प्लस आईटा एच दैट इज इक्वल टू ए प्लस आईटा। अब प्रूव करना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू e square plus f square into g square plus h square that is equal to a square plus b square। ये अपने को प्रूफ करना है। अब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमने क्या किया, अगेन इसका दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया, तो ये बन जाएगा आपका a plus iota b का mod, c plus iota d का mod, e plus iota f का mod, g plus iota h का mod,
दैट इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी का मोड, ठीक। तो क्या बन जाएगा ये, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर द रूट ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अंडर द रूट जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर द रूट एंड दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। अब दोनों तरफ स्केयरिंग कर दी, ठीक। तो ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप क्लियर हुआ। हाँ जी, सबको क्लियर है? यस यस सर। ठीक, नमन, प्रिंस, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, सूर्यांश? यस सर। साहिब? यस सर। आशिया? यस सर। ठीक 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 है। तो अब ध्यान से देखो, एक्चुअली में देखो अब कितनी जल्दी मैंने करके दिखा दिया एंड तुम्हें समझ भी आ गया, राइट। जब पहले दिन किया था तो इसी क्वेश्चन को करने में याद करो हमें कम से कम 10 मिनट लग गए थे। अब ये इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि तुमने थोड़ी सी मेहनत करके घर पे अपना प्रैक्टिस की हुई है ताकि तुम्हें ये चीज समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसलिए हाँ जी बोलो सर, एक बार लास्ट स्टेप बता दो। स्केयरिंग कर दी ना ये अंडर रूट हटाने के लिए, स्केयरिंग करके इसका स्केयर किया ये आ गया, इसका स्केयर किया ये, इसका स्केयर ये, इसका स्केयर ये, इसका स्केयर ये, ठीक। सिर्फ स्केयरिंग किया, इसके अलावा ठीक है सर। पक्का शोर है? हाँ जी सर। चलो ठीक 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 है। चलो अभी हम आगे चल रहे हैं तो मॉडुलस को यहीं पे खत्म करते हैं। अब थोड़े से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनको हमें हैंडल करना है, ठीक, हैंडल करना सीखना है, ठीक है। ध्यान से देखना है ये चीज, एनसीईआरटी के रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं, ठीक। तो ध्यान से देखो जरा, क्या बोल रहा है वो कि क्वेश्चन है ये, इसका कंसेप्ट नहीं है, ये सच क्वेश्चन ही है। वो क्या बोल रहा है कि इफ एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव प्लस टू रूट माइनस फोर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर फोर प्लस नाइन एक्स क्यूब प्लस थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर, ठीक। एक्स की पावर फोर प्लस नाइन एक्स क्यूब प्लस थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर, ठीक। अच्छा, अब इसके अंदर जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, स्टैंडर्ड गलती जो बच्चे करते हैं, ठीक, हो सकता है कि जब तक इसका मेथड नहीं पता तब तक वो सारे बच्चे वैसी गलती करते हैं, ठीक है। कई तो जानने के बाद भी कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो क्या कि वो करते हैं कि इसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स तो हमें दे रखा है तो ये वाली वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, बात खत्म। तो इसका क्यूब करेंगे, इसकी पावर फोर करेंगे, पावर टू करेंगे, पावर वन करेंगे, राइट। तो बहुत ज्यादा लेंथी चला जाएगा, समझ आ रहा है ये चीज, हद से ज्यादा लेंथी चला जाएगा। एक्स कॉमन निकाल लो। नहीं नहीं नहीं, कॉमन आएगा नहीं क्योंकि लास्ट में फोर है। नहीं नहीं रूट फोर को टू ए ओटा लिख के आएगा शायद। हाँ बिल्कुल, फिर उसके बाद ये बन जाएगा माइनस फाइव प्लस टू इंटू टू आयोटा, ये बन जाएगा माइनस फाइव प्लस फोर आयोटा, दैट इज एक्स। अब फिर एक्स को ये पुट करोगे ना? यस सर। अरे अभी भी तो उतने कॉम्प्लेक्स जाएगा, अभी भी कुछ ज्यादा सिंप्लीफाई तो हुआ नहीं। हमने किया क्या, देखो इस चीज को बस टू आयोटा लिखा है लेकिन इससे सिंप्लीफाई थोड़ी ना हुआ है ना। तो इसको देखो, हाँ सोचो सोचो क्या करोगे। एक्चुअली इसका थोड़ा मेथड अलग है, ठीक। तो एक बार मेथड देख ही लो। आपको लॉन्ग डिवीजन आती है करनी पॉलिनोमियल्स की? हाँ जी। सबको? हाँ जी। यस सर। पॉलिनोमियल की लॉन्ग डिवीजन करना आता है ना सबको? चलो ठीक, एक्चुअली में इसमें वो चीज यूज होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो कैसे, एक्चुअली में इसके अंदर ये काम करना करो, नहीं करना मत करो, एक्चुअली में इसका फर्क नहीं पड़ता, ठीक। सिंप्लीफाई ये जो आयटा की फॉर्म में लिखा है, ठीक, एक्चुअली में क्योंकि आयटा वाली फॉर्म हमें चाहिए नहीं। अब ध्यान से देखो, हमने क्या किया, इस चीज को पकड़ा तो ये बन गया x इज इक्वल टू माइनस फाइव प्लस टू रूट माइनस फोर, ये बन गया। अब हमने क्या किया, माइनस फाइव को इधर लेके आया तो ये बन गया x प्लस फाइव दैट इज इक्वल टू टू रूट माइनस फोर। अब कर दी हमने स्केयरिंग इसकी, ठीक, इसकी स्केयरिंग कर दी तो क्या बन जाएगा, ये x प्लस फाइव का स्केयर दैट इज इक्वल टू टू का स्केयर फोर इंटू ये अंडर रूट हट जाएगा तो माइनस फोर, तो ये बन गया माइनस सिक्सटीन, ठीक। तो ये क्या बन गया आपका एक्स स्केयर प्लस 10x plus 25 a square plus b square plus 2ab करके ये आ गया, that is equal to minus 16, minus 16 इधर आ गया, तो ये बन गया आपका x square plus 10x plus 41, that is equal to 0. I hope ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी। पक्का सबको ये चीज क्लियर है? Yes sir. ठीक, now what is this? ठीक, ये चीज क्या बनी? Basically ये कहना चाहता है कि अगर x हमारा ये है, ठीक, तो
x के लिए ये वाली जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये ट्रू रहेगी, मतलब x की वैल्यू जब इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक के अंदर डालोगे तो ये पूरी पूरी चीज की जो वैल्यू है ये जीरो बन के आएगी। आई होप ये चीज क्लियर हुई। अगेन अगर x की वैल्यू ये है ठीक, तो इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू जो है वो जीरो होगी जब मैं ये पर्टिकुलर x को जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज x इज इक्वल टू क्या गिवन है माइनस फाइव प्लस टू रूट माइनस फोर, ये वाली x की वैल्यू जब मैं इस क्वाड्रेटिक में डालूंगा तो इस पूरी क्वाड्रेटिक की वैल्यू क्या बन जाएगी जीरो बन जाएगी। आई होप ये क्लियर हुआ। सबको क्लियर हुआ जी? यस सर। ठीक, अच्छा अब इस चीज को यूज कैसे करेंगे, ठीक ध्यान से देखना है चीज। अब इस चीज को यूज करने का तरीका क्या है, ठीक व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज मैं इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक को पकड़ के अपना जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज डिग्री फोर वाली स्टेटमेंट उसके साथ मैं डिवाइड करूंगा, ठीक क्या करूंगा उसके साथ पकड़ के डिवाइड करूंगा। यानी कि व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज हमें क्वेश्चन में किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो मैं क्या करूंगा इसको डिवाइड करूंगा इसके साथ, तो दिस विल एक्ट एज डिवाइजर एंड दिस विल एक्ट एज डिविडेंड, ठीक। तो ध्यान से देखो क्या जाएगा, ये जाएगा आपका x की पावर 4 किसी ने तो वीडियो स्टार्ट किया यार प्लीज अपना वीडियो ऑफ रखो नमन, हाँ जी, तो x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 डिवाइडेड बाय ये जो क्वाड्रेटिक आई बन के हमारी इसके साथ डिवाइड करेंगे। पहले मेथड देख लो, अब ये हो क्या रहा है वो मेथड के थ्रू लास्ट में क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है, क्या कर क्या रहे हैं क्यों कर रहे हैं ये सारा कुछ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो क्या आएगा, सबसे पहले x स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा x की पावर 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 41x स्क्वायर। आई होप ये मेथड क्लियर आपको। यस सर। ठीक, तो ये माइनस होके ये जीरो हो गया, ये माइनस होके आपका माइनस x क्यूब आ गया, ये माइनस होके आपका माइनस 6x स्क्वायर आ गया, ठीक, एंड ये माइनस x प्लस 4 एज इट इज, ठीक। अब हमने किया माइनस x से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया माइनस x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर एंड माइनस 41x, ठीक। तो दिस माइनस दिस ये गया, दिस माइनस दिस ये प्लस 4x स्क्वायर आ गया, दिस माइनस दिस प्लस 40x एंड प्लस 4 ये आ गया, फिर हमने किया प्लस 4, तो ये बन गया आपका 4x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 164, ठीक। तो दिस माइनस दिस करके ये कटेगा, ये कटेगा, दिस माइनस दिस करके माइनस 160, तो ये चीज बन गई, ठीक। अब ध्यान से देखो, ठीक, ये पूरी चीज के अंदर अब हमने किया क्या, ठीक, ये जो हमने किया दैट इज सबसे पहले हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर जो गिवन थी स्टेटमेंट x की वैल्यू गिवन थी उससे हमने एक क्वाड्रेटिक बनाई, ठीक, ये क्वाड्रेटिक बनाई। अब ये क्वाड्रेटिक बनाने के बाद हमने क्या किया कि हाँ ये क्वाड्रेटिक बनाने के बाद हमने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक को जिसकी वैल्यू निकालनी थी उससे डिवाइड कर दिया, तो लॉन्ग डिविजन करके हमारे पास ये बन गया, दिस इज क्वोशेंट, ठीक, एंड दिस इज रिमाइंडर। तो अब देखो तुम्हें याद होगा डिविडेंड क्या होता है, हमारा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है ये, आई होप ये क्लियर है तुम्हें। yes, ये yes, यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है, इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं, हाँ जी, सबको क्लियर है ये चीज? यस सर। पक्का प्रिंस अपना साहेब शौर्य सूर्यांश ठीक 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 है। अब देखो जरा फिर इसको यूज कैसे करेंगे, तो हमारा डिविडेंड क्या था, डिविडेंड था x की पावर 4 वाला, क्या डिविडेंड था, x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। नाउ दिस कैन बी रिटन एज हमारा डिवाइजर, डिवाइजर क्या था वो क्वाड्रेटिक वाला, क्या था ये, दैट इज x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 into quotient, quotient क्या था हमारा, quotient आया हमारा ये, that is x square minus x plus 4, ठीक, plus remainder, remainder क्या है, plus minus 160, इस तरीके से। I hope ये चीज क्लियर है। Yes sir। अब मेरे को ये बताओ, ठीक, कि इसके अंदर अगर मैं पूरी स्टेटमेंट में x को अगर मैं वो स्टार्टिंग में जो गिवन था मैं that is minus plus 2 root minus ये पुट करूंगा, तो ये जब मैं इसके अंदर पुट करूंगा इसी की वैल्यू चाहिए थी, हाँ जाना, yes, इसको इसके अंदर पुट करेंगे इसी की वैल्यू चाहिए थी हमें, यानी कि हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, ये लेफ्ट हैंड साइड की, हाँ जाना, hmm.
राइट तो मैंने क्या किया, एक्स को ये वाली जो वैल्यू थी ये इधर पुट कर दी, तो मेरे को जो लेफ्ट हैंड साइड थी ये थी, अब जो लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड है, इक्वालिटी है, तो यानी कि मैं लेफ्ट हैंड साइड तो आंसर -160 आ गया एग्जैक्टली, क्योंकि ये चीज जीरो हो गई। अब ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू जब मैंने ठीक, ये वाली वैल्यू जब मैंने राइट हैंड साइड में पुट की ठीक, तो राइट हैंड साइड में पुट करके क्या बना, ध्यान से देखना ये चीज ठीक, ये जो पर्टिकुलर चीज है ये क्या बन जाएगी जीरो, तो ये और ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे जीरो, तो मेरे पास क्या बनेगा ये जीरो प्लस माइनस 160, तो हमारा आंसर क्या आएगा -160। तो देखो कितना सिंपल हो गया, तो ये देखने में दोनों 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 लेकिन दोनों क्यों जीरो कैसे आता? अरे सुनो सुनो सुनो, एक चीज समझो पहले, कि अगर एक इक्वेशन हमें गिवन है जिसकी कुछ लेफ्ट हैंड साइड है कुछ राइट हैंड साइड है, उसके अंदर अगर एक्स वेरिएबल आ रहा है तो एक्स वेरिएबल की जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ पुट करूंगा, मैं सिर्फ एक साइड पुट नहीं करूंगा, पहली बात तो ये समझो ठीक। ध्यान से इस चीज को मैं प्रॉपरली समझाता हूँ क्या चीज हो रही है। मान लो मेरे पास है ऐसा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x plus 1, ये क्या होता है मेरा x plus 1 का स्क्वायर आ गया ना। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर जब मैं x को 10 पुट करूंगा तो मैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ पुट करूंगा, सिर्फ एक तरफ नहीं पुट करूंगा। अब जब देखो, जब लेफ्ट हैंड साइड पुट किया तो क्या चला जाएगा, दैट इज 10 का स्क्वायर प्लस 2 इनटू 10 प्लस 1, तो क्या बन जाएगा ये 100 प्लस 20 प्लस 1, तो दैट इज 121 ठीक, ये चीज बन जाएगी। और राइट हैंड साइड क्या आ रहा है, दैट इज 10 प्लस 1 स्क्वायर, तो दैट इज 11 का स्क्वायर, तो दैट इज 121, तो देखो तब जाके बराबर आएगा ना, मैं सिर्फ एक साइड नहीं पुट कर सकता। आई होप ये चीज क्लियर हुई ठीक। तो इक्वालिटी के अंदर, इक्वेशन के अंदर जहां पे इक्वालिटी होती है, तो कहीं भी कहीं पर भी इस चीज के अंदर ऐसी चीज में अगर मैं एक्स की वैल्यू पुट करूंगा तो मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ पुट करूंगा, सिर्फ एक तरफ पुट नहीं करूंगा ठीक, पहली बात तो ये। अब इस चीज के बाद ठीक, ये चीज समझने की कोशिश करो कि हमने जब अपना डिवाइजर को डिविडेंड के साथ डिवाइड किया ठीक, तो हमारे पास क्या स्टेटमेंट बनी, डिवाइजर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ठीक, हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट बन के आ गई। अब ये वाली स्टेटमेंट के अंदर ठीक, एक सेकंड को मैं दोबारा क्लियर करता हूं। हाँ जी, तो जैसे ही ये वाली स्टेटमेंट बन के आई ठीक, अब इसके अंदर हमने वैल्यू पुट की एक्स की -5 प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ -4। अब ये वाली वैल्यू जब इधर पुट करनी, इसकी वैल्यू चाहिए थी ना, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था उन्होंने, x अगर ये है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हाँ या ना। हाँ जी ठीक। अब हमने क्या किया, वही वैल्यू निकालने के लिए अब हमने इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर ये वाली वैल्यू पुट कर दी, तो जब वैल्यू पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की हमें वैल्यू चाहिए थी, अब पुट करके दिखाएंगे नहीं उनको ठीक, लेकिन हमें ये चीज मालूम है कि जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो चाहे राइट हैंड साइड में पुट करो, लेकिन अगर हमने राइट हैंड साइड में पुट की तो ये जो पर्टिकुलर चीज है ये जो वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो ये चीज क्या चली जाएगी, जीरो, यानी कि ये दोनों चीजों का प्रोडक्ट क्या चला जाएगा जीरो, तो हमारे पास बचेगा क्या -160, यानी कि ये वाली वैल्यू जब इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ रिमाइंडर -160 बचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था ठीक, इसको जब मैं इसके अंदर पुट करूंगा एंड सारी की सारी वैल्यूज ओपन करूंगा power 4, power 3, power 2 ठीक, ये सारी चीजें ओपन करके इस पूरी चीज की जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू क्या बन के आएगी, दैट इज नथिंग बट -160 बन के आएगी। आई होप ये चीज क्लियर हुई। एक डाउट है सर, जीरो कैसे आएगा, क्योंकि ये चीज जीरो है, ये जीरो है ना, ये जीरो है, ध्यान से देखो, ये हमने जीरो बनाया था, देखो ये जीरो निकाला था ठीक है ना, ये इसीलिए तो हमने ये चीज जीरो निकाली ना, तो इस क्वेश्चन का पूरा प्रॉब्लम देखो ध्यान से सुनो, अपना माइक ऑफ करना प्लीज, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है। हाँ जी, इस क्वेश्चन का प्रॉपर मोटिव समझो ठीक, प्रॉपर मोटिव क्या है ठीक, एक एक्स की वैल्यू दी होती है, उस एक्स की वैल्यू के थ्रू हम क्या करते हैं, एक क्वाड्रेटिक वगैरह ढूंढने की कोशिश करते हैं ठीक। जैसे बड़ी सिंपल सी एग्जांपल लेके जा रहा हूँ, मान लो एक्स की वैल्यू है -1 + 2 i, वो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + x² + x + 1, वो बोल रहा है इसकी वैल्यू निकालो ठीक, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वो बोल रहा है इसकी वैल्यू निकालो। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए ठीक, इस पूरी चीज की वैल्यू निकालने के लिए ठीक, क्या करना पड़ेगा, या तो x को सीधा पुट कर दो, लेकिन x को पुट करूंगा तो बहुत डिफिकल्ट चला जाएगा, क्योंकि ये तो चलो स्टिल क्यूब का है, इजी पड़ जाएगा, लेकिन अगर इधर x की बार 4 होता तो और ज्यादा डिफिकल्ट चला जाता,
तो इसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, पहले इससे एक क्वाड्रेटिक बनाया। कैसे, देखो x प्लस वन इक्वल टू टू आइटा, एक वन को इधर लेके अब स्केयरिंग कर दी, क्या बन गया जी, एक्स स्केयर प्लस टू एक्स प्लस वन दैट इज इक्वल टू टू का स्केयर फोर एंड आइटा का स्केयर माइनस वन, तो माइनस फोर। इसको इधर लेके आए तो एक्स स्केयर प्लस टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब ये है कि इफ x is minus 1 plus 2 iota, then x square plus 2x plus 5 must be 0. I hope ये चीज, ये स्टेटमेंट क्लियर हुई। हाँ जी, सबको ये, यहां तक कोई डाउट कि x अगर ये है तो हमारा ये चीज 0 होगी होगी। हाँ जी हर्षलिन, क्लियर हुआ? Yes sir. सबको, सारिशा? Yes sir. प्रिंस, नमन? Yes sir. ठीक 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 है। तो अब ये स्टेटमेंट क्लियर हो गए कि अगर x की वैल्यू ये है, अब ये चीज की वैल्यू जीरो होगी। तो अब हमने क्या किया, इसको पकड़ के इसके साथ डिवाइड किया, जिसकी वैल्यू जीरो है इसके साथ पकड़ के डिवाइड किया, तो क्या बन गया, देखो जरा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसको पकड़ के हमने डिवाइड किया, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव के साथ। तो ये बन गया x से मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब, ये आ गया। अब माइनस करके ये कटा, ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया माइनस फोर एक्स प्लस वन। फिर हमने माइनस वन से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव। ठीक, तो दिस माइनस दिस गया तो ये माइनस टू एक्स प्लस सिक्स आ गया। तो अब ये रिमाइंडर आया। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि आई कैन राइट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एज डिवाइजर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव इंटू रिमाइंडर इंटू क्वेश्चन, दैट इज एक्स माइनस वन प्लस रिमाइंडर दैट इज माइनस टू एक्स प्लस सिक्स। आई होप ये चीज क्लियर हुई, राइट? अब मेरे को x की वैल्यू क्या दे रखी थी, माइनस वन प्लस टू आइटा, ये दे रखी थी। अब इसके अंदर माइनस वन प्लस टू आइटा डालो तो उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस टू आइटा। लेफ्ट हैंड साइड तो ये बन जाएगी ना मेरी, जब मैं x x को माइनस वन प्लस टू आइटा इसके अंदर डालूंगा तो इस चीज की जो वैल्यू आएगी दैट इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ दिस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन फॉर एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस टू आइटा, यही याद आएगा। और यही चीज हमें चाहिए था क्वेश्चन में निकालना था, तो वो क्या आएगा, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड कैलकुलेट करूंगा क्योंकि दोनों बराबर है, राइट? अब ये चीज जब इधर डालूंगा ये चीज की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। आई होप ये क्लियर है, ये चीज की वैल्यू तो जीरो है, राइट? तो ये बन जाएगा आपका दैट इज नथिंग बट जीरो इंटू एक्स माइनस वन प्लस माइनस टू एक्स प्लस सिक्स। अब ये क्या बन गया हमारा, दैट इज सिंपली नथिंग बट माइनस टू एक्स प्लस सिक्स, क्योंकि ये चीज जीरो चली गई। अब इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर दो, तो x की वैल्यू इसके अंदर पुट करना एंड x की वैल्यू इसके अंदर पुट करना, अब तुम बताओ क्या इजी है, ऑब्वियसली ये इजी है। तो x की वैल्यू मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा मेरा काम हो जाएगा, तो मेरा बन जाएगा माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू आइटा प्लस सिक्स। ठीक, ये आंसर आ गया। तो क्या बन गया जी, टू लेफ्ट हैंड साइड में नहीं पुट की वैल्यू एक्स की, नहीं नहीं लेफ्ट हैंड साइड की, तो ये तो हमें ओरिजिनली निकालना था, अगर यही पुट कर देते फिर तो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन सोल्व हो जाता, यही नहीं करना था। इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या जाती है कि राइट हैंड साइड में पुट करो, मतलब हमने उसको माइनस टू एक्स प्लस सिक्स के इक्वेट कर दिया ताकि हम उसमें वैल्यू पुट करके एग्जैक्टली तो देखो हमारा करना था ये, लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस हमने किया ये चीज। ठीक, और यही चीज बनाना, ये चीज पूरे की पूरी बनाना, राइट हैंड साइड बनाना, यही हमारा मोटिव था, यही हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन में किया कि लॉन्ग डिवीजन पहले की, और किसके साथ लॉन्ग डिवीजन करेंगे, पहले हमने ये क्वाड्रेटिक बनाई, ठीक, स्केयरिंग वगैरह करके, यही हमारा मोटिव था ताकि ये पूरी की पूरी चीज जीरो हो जाए और रिमाइंडर बच जाए हमारे पास, और रिमाइंडर की वैल्यू जो है वो आ जाएगी और वो निकालना इजी हो जाएगा। तो ये बन जाएगा एट माइनस फोर आइटा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस पूरी, अपना माइक ऑफ रखिए प्लीज, हाँ जी, तो इसका मतलब यह है कि जब मैं माइनस वन प्लस टू आइटा को इसके अंदर पुट करूंगा तो मेरी क्या वैल्यू बन के आएगी, दैट इज नथिंग बट एट माइनस फोर आइटा बन के आएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ ये सबको? हाँ जी, पक्का? हाँ जी, चलो ठीक है, चलो वी आर डन फॉर द डे, एंड इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके वो मैं आपको थोड़ी देर में होमवर्क दे दूंगा, ठीक है? अभी हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का है वो एक दो लेक्चर में हमारा खत्म हो जाएगा अभी, ठीक, एंड फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो डन, थैंक यू सर, वेलकम थैंक यू सर वेलकम वेलकम